हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक आपका कैसा गुजरने वाला है, यानी 1 से 7 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है। सो प्लीज पॉजिटिव रहें एंड नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। सो आई थिंक मुझे ये कार्ड ले लेना चाहिए, अपने आप गिरा है। सो एंड अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है, सो चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है इस हफ्ते के लिए, यानी 1 से 7 तारीख के लिए। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिज एंड 10 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। देखो तो ओवरऑल जो चीज दिख रही है कि आप इस हफ्ते में किसी के ऊपर नजर रखने वाले हो, यानी कह लो कि वो लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, वो आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। आपको इस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है वही आपके काम को फॉलो कर रहा है, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर नजर रख रहा है एंड वो भी आपको फॉलो करके डीटो वही काम करने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में इस बात को ही आप क्लियर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके साथ ही आप किसी पर्सन के ऊपर नजर रख सकते हो जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो, या फिर आपके क्रश भी हो सकते हैं कि वो इस टाइम पर क्या डीपी लगा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। तो ऐसे टाइप्स के कुछ एनर्जी वाइब्स मुझे आ रहे हैं ओवरऑल इस हफ्ते के लिए। एंड देखो ये जो हफ्ता है ये स्टार्ट ही हो रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है आप किसी स्टक सिचुएशन में शायद बहुत टाइम से फंसे हुए हो, तो इस टाइम पर आप उस सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हो। एंड ऐसे ही नहीं, कोई एक इंसान आपको हेल्प करने वाला है, कोई एक फीमेल फिगर दिख रही है जो आपसे बड़े होंगे, वो आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको पीछे से सपोर्ट देने वाले हैं। वो हो सकता है टाइम देकर सपोर्ट दे, या फिर कुछ मशवरा देकर, या फिर कुछ मनी से हेल्प करके आपको सपोर्ट दे, बट दिख रही है आपको सिचुएशन से निकालने में वो इंसान बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं। एंड ये इंसान आपके फैमिली से बिलोंग भी कर सकते हैं, आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस कलीग्स, आप जहां पर पढ़ने जाते हो, काम करते हो, वहां के कोई भी लोग हो सकता है, दिख रही हैं। साथ ही दिख रही हैं आप किसी वाटर रिलेटेड जर्नी में इस टाइम पर जा सकते हो, या फिर जाने का प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। फाइन। एंड अगर मैं मिड वीक की बात करूँ तो मिड वीक आते आते आपका जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा एनलाइटेड दिख रही हैं, वो बहुत ज्यादा क्या बताओ, पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर ना बहुत ज्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो, मन से, दिल से, यानी कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है, वो बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेता हुआ दिख रहा है। यानी आप इस टाइम पर जो भी चीजें करोगे वो अपने मन से, दिल से करते हुए दिख रहे हो एंड उस सभी चीजों से आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है द हायर प्रिस्टस के साथ, क्योंकि ये एक मेजर अरकाना है। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवकिन भी होने वाले हो एंड कुछ चीजों से ना आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, यानी यहां से जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करने वाले हो उसको ही आप यहां पर बड़े ही चतुराई से इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हो। फाइन। सो किसी एक इंसान के अगेंस्ट आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर आपके फायदे के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। आपने जो इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर इकट्ठा करोगे उसको ही यहाँ पर आप यूज करते हुए दिख रहे हो। एंड देखो और एक चीज दिख रही है, एक डिपेंडेंसी की बात दिख रही है, यानी आप इस टाइम पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हो। सर्फेस लेवल पर तो नहीं दिखाओगे बट अंदर से, यानी आपके सोल, किसी इंसान के सोल के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। यानी अगर वो इंसान आपके सामने आ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, अगर वो इंसान आपके साथ चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, करेज फील करते हो, ऐसे टाइप्स के एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, आप जिसे प्यार करते हो, आपके क्रश भी हो सकते हैं, कोई भी। ओके, एंड अगर मैं एकदम से एंड ऑफ दिस वीक की बात करूं तो यहाँ पर तो चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना इस टाइम पर एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आपके घर में इस टाइम पर कोई पूजा पाठ हो सकता है, या फिर किसी का शादी तय हो सकता है, या फिर आपका भी हो सकता है, या फिर कोई इनविटेशन आपके पास आ सकता है। ओके, तो आपके घर में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव काम होता हुआ दिख रहा है, जिसके दौरान बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पर आप लोग इस टाइम पर शॉपिंग में भी जा सकते हो, बट बहुत सारे लोगों के साथ ना आपका इस टाइम पर मिलना जुलना बनता हुआ दिख रहा है, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो ओवरऑल आप।
एंड आपके साथ ना बहुत सारे लोग इस टाइम पर कम्युनिकेशन भी होने वाला है एंड बहुत सारा अच्छे से होती हुई दिख रही हैं। आपका कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जो इस टाइम पर आपके माता पिता फुलफिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से भी आपके कुछ विशेस फुलफिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल आपको प्यार करते हैं ऐसे किसी इंसान की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट आपको मिल सकता है एंड इसके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स तो दिख ही रही है मुझे। ओवरऑल एक हार्मनी का कार्ड आ गया है आपके लिए। ओके, सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग दिख रही है मुझे एंड देख लेते हैं कि इस टाइम पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं भगवान आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर हैं, फाइन। तो डेफिनेटली इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कि आपके लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा। यानी ये चेंज ना अचानक से होगा बट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, शुभ रहेगा। इस टाइम पर कुछ चीज़ें आप एकदम से नए तरीके से अपने सराउंडिंग्स में आप देख पाओगे, क्योंकि इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रही है मुझे जहाँ पर कुछ चीज़ें टूट कर बिखर कर फिर से नया स्टार्ट होने वाला है। यानी हो सकता है कुछ ही दिनों पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ आंधी तूफान से आप गुजरे हो एंड जिसको संभालते संभालते आप थोड़ा सा मैच्योर हो गए हो, थोड़ा सा समझदारी आ गई है आपके अंदर, थोड़ा सा बोल्ड हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो। यानी जितना ज़्यादा आप ईजिली चीज़ों को लेते थे इतना ज़्यादा ईजिली इस टाइम पर आप चीज़ों को नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा बारीकी से देख कर नोटिस करके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो। एंड इसके लिए ही मुझे दिख रही है आपके लाइफ में इस टाइम पर कुछ नई चीज़ें बिल्डअप होने वाला है, यानी कुछ नए चीज़ों का कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है, कोई नए रिश्ते आपके साथ जुड़ने वाले हैं या फिर कोई नया चीज़ आप इस टाइम पर खरीद सकते हो, कोई नया चीज़ आपको इस टाइम पर गिफ्ट में मिल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है बट कुछ नई चीज़ों की यहाँ पर एक वाइब्स मुझे आ रही है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है आपके दिल में, आपके मन में कोई एक ऐसा इंसान है जिस इंसान से आप दूर हो बट दूर होकर खुश नहीं हो, बट हालात ही ऐसे हैं आप उनके पास नहीं जा पा रहे हो। तो ऐसे में आपके साथ उनकी ना मुलाकात होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं अचानक से। ओके, सो बातचीत भी हो सकता है। सो ओवरऑल आपका रीडिंग अच्छी दिख रही है मुझे। थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।